नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश स्व वित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन द्वारा आज राजबहादुर सिंह के नेतृत्व में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि संगठन द्वारा पूर्व में भी विश्वविद्यालय द्वारा उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु वार्ता की गई। साथ ही आए दिन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की परी नियमावली शासनादेश के आदेश का अनुपालन न करके नियम विरुद्ध आदेश पारित किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही महाविद्यालयों के समक्ष उत्पन्न हो रही समस्याओं से भी अवगत कराया गया। इस दौरान राजबहादुर सिंह ने बताया कि हम लोग विभिन्न समस्याओं को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन कुलपति नहीं मिले तो रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंप महाविद्यालयों से संबंधित समस्याओं और विश्वविद्यालय नियम विरुद्ध पारित किए जा रहे आदेशों के प्रति अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की स्थापना के समय शासन द्वारा शासनादेश जारी किया गया था कि जब तक विश्वविद्यालय का स्वतः परिनियमावली नहीं बन जाती तब तक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की परिनियमावली से कार्य किए जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन कुलपति द्वारा मनमाने ढंग से बिना परिनियमावली के नियम विरुद्ध कार्यों का संपादन किया जा रहा है, जिसके चलते महाविद्यालयों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं पूरी की जाती है तो हम 2 दिसंबर को लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन के साथ तालाबंदी करेंगे। सर अपना परिचय बता दें, क्या मांग की है धरना प्रदर्शन? राज बहादुर सिंह सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज अध्यक्ष। किन मांगों के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन? छात्र हित में, छात्र हित में विश्वविद्यालय द्वारा मनमाने ढंग से 800 रुपया शासन ने निर्धारित किया फीस, अब ये ले रहे हैं 1980 रुपये। छात्रों का परीक्षा आवेदन पत्र लड़के भरेंगे और लड़के ही फीस जमा करेंगे, तो फिर महाविद्यालयों का औचित्य क्या बनता है? इसी चीज़ को लेकर हम लोग जुलाई से इनके साथ कई बार वार्ता कर चुके, लेकिन किसी बात को मानने को तैयार नहीं, उसी के विरोध में सारे लोग आ जाए। अभी नहीं किया गया, आगे क्या कदम होगा? आगे होगा धरना होगा, प्रदर्शन होगा, तालाबंदी होगी। अरे इनका भी तो लीजिए। हाँ, मैं रजिस्ट्रार हूँ महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़। अब ये अभी बता रहे हैं हमसे, प्रबंधक हैं यहाँ और मऊ के भी हैं, आजमगढ़ जिले के हैं लोग, तो इनके द्वारा बताया जरा फीस का कुछ मैटर है। क्या इन लोग की मांग है? तो मांग है फीस, इनके हिसाब से ये कहना है कि फीस ज़्यादा है। तो जो भी निर्णय होते हैं ये जो समितियां हमारी होती हैं, परीक्षा समिति है, प्रवेश समिति है, ईसी है और फाइनेंस कमेटी है, उसके द्वारा होती है, तो उसमें निर्णय लिया गया है। तो अगर इन के खिलाफ कार्य किया जा रहा है तो उसको नहीं नहीं अगर है तो लिख के देंगे, अगर कुछ इनका है तो उस पर विचार किया जाएगा, अगर कुछ ऐसा है तो। इन लोग कह रहे हैं कि लगातार हम लोग दौड़ रहे हैं अपनी बच्चों का। नहीं, बात विचार हुआ है और उस पर अगर आज भी अगर कुछ लिखित आया होगा तो उस पर पुनः विचार किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बातचीत में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे और सारे जो महाविद्यालय हमारी पार्ट है कोई अलग हमसे नहीं। ठीक।